27th ऑफ नवंबर को सिनेमा घरों में तमाशा होने वाला है। संदीप चले। हाय, योर नेम इज वजीर, राइट? वजीर। नो, राजीव, सॉरी। वसीम। ओके सॉरी या। जस्ट टेक नेम वसीम। व्हाट एम आई सेइंग? वजीर ना। वसीम। मा मा या मा वजीर। करेक्ट। या हाय वजीर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। मैं वसीम ही बोल रही हूँ। आप सुन रहे हो? हाँ बोल रही है वसीम। वजीर। तो सिनेमा घरों में तमाशा होने वाला है 27th ऑफ नवंबर को। दो बड़े खूबसूरत लोग हैं, दीपिका रणबीर। थैंक यू सो मच वजीर फॉर हैविंग अस। ओह माय गॉड, तो क्या तमाशा है ये? कैसे करेंगे ये तमाशा 27th को? तमाशा को 27 नवंबर को जब रिलीज होगी, और यही प्रार्थना है कि आप भी वजीर और उनकी पूरी फैमिली जाएगी थिएटर में फिल्म देखने। बड़े प्यार से बना है, बड़ी मेहनत से बनाई है। इम्तियाज अली की फिल्म है, लव स्टोरी है। एंड बस वजीर भाई, आप जरा एक बार हमें गारंटी दे दो आप जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, हम दर्शकों को लेकर के साथ में जाएंगे और फिल्म का रिव्यू भी देंगे। और वैसे सो मच, लगता है कि मुझे जाना चाहिए फिल्म देखने के लिए अभी। हाँ लगता है। माय नेम, आई एम वजीर भाई। व्हाट्स योर नेम? वसीम अख्तर। वसीम, अच्छा अच्छा, वसीम अख्तर। वसीम वजीर अख्तर। व्हाट एम आई सेइंग? वजीर ना। वसीम। मा मा या मा मा वजीर। करेक्ट। या ओके। दीपिका, पहला जो फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था बहुत तारीफ हुई, और मैंने खुद भी देखा पर्सनली, जो एक इमोशंस है। यस, क्या बात कर रहे हैं। हाँ बहुत। तो हो ही नहीं सकता। क्यों, आपको अभी तक लोगों ने बताया नहीं? लोगों के रिएक्शन नहीं मिले? ऑफ कोर्स, तारीफ से ज्यादा। तो आप तो बोल रहे हैं कि काबिले तारीफ। हाँ ये हुई ना बात। डॉन, 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, और आप? मैं मोना, मोना डाले। तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? मटर गश्त, खुली सड़क में तकड़ी तड़क, भड़क में ओले गिरे। वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे, और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। How was the first reaction? First reactions were good only, के ऐसे कभी कभी ऐसे रिएक्शन मिलते थे, कभी कभी ऐसे भी मिलते थे, और कभी कभी ऐसे भी थे। तो आई मीन बहुत खुश है डैडी का। नहीं बहुत खुश है, यू नो हमने बहुत मेहनत से बनाई है, एंड आई थिंक इट्स बीन ग्रेट के ऑडियंस इज इंटरेस्टेड। वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, बाहर तमाशा बीच बाजार। फिर तो बड़ी सैड, आज कल वेरी मैड, फिर तो बड़ी सैड। पहला जो अप्रिशिएशन था, पहले जो कॉम्प्लीमेंट था फर्स्ट लुक का, किसने आपको दिया? रणबीर ने दिया। आई थिंक पहला जो कॉम्प्लीमेंट ऐसे किया, कंग्रेचुलेशंस बधाई हो। तो ये बताइए कि हमने देखा कि इस फिल्म में आप देवानंद बने हुए हैं, आपके कैमरामैन जो है बहुत परेशान है, बहुत बहुत ज्यादा फ्रेम जो है आप खराब कर रहे हैं। वो पीछे से बोले, वजीर पीछे जा। नहीं वसीम पीछे जा। वजीर, तो अभी बताएं कि हमने जो सवाल पूछा आपसे ये कि मैं खुद सवाल भूल गया। फिर से आप हमेशा सवाल भूल रहे हो आज। नहीं, आपने पूछा कि फर्स्ट रिएक्शन। नॉर वजीर बाय द वे, टेकिंग माय नेम ऑल, सॉरी ब्रो। लेकिन आप रोज एक चम्मच च्यवनप्राश खाइए, बादाम खाइए। बादाम खाता हूँ मैं। खाते हो आप? तो फिर शायद आपकी याददाश्त में दम आएगी। मैं वसीम ही बोल रही हूँ। आप सुन रहे हो? हाँ बोल रही है वसीम। वजीर, तो मैं ये पूछा था कि देवानंद साहब की एक्टिंग करते हुए आप गानों में दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत डिफिकल्ट होगा, कितना वक्त लगा उसको सीखने के लिए? मुझे एक हफ्ता लगा। सॉरी। नहीं नहीं, किसी की याद आई। वजीर। इंटरपोल का अफसर हूँ मैं, और उस नाते आपको बताना मेरा फर्ज है कि आपके हुस्न की वादियाँ इस वक्त दिख रही हैं। जी हाँ। मुश्किल तो होता है यू नो किसी की नकल उतारना, लेकिन अगर आप मेरे साथ कैमरा में देखो और बोलो कि मेरे साथ बोलो, बेबी बेबी मेरा नाम
मेरा नाम वसीम वसीम नहीं है, है करेक्ट करेक्ट तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है इस साल आपको इस फिल्म से और लोग भी इंतजार कर रहे हैं. दीपिका दीपिका और रणबीर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए. बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट प्रोड्यूसर एंड इन्होंने म्यूजिक भी दिया है. बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट म्यूजिक एंड मार्केटिंग हेड. अगर आप वहाँ देखें हमारे कनन जी बैठे हैं कैमरा कैमरा अगर आप वहाँ देखें कॉर्पोरेट गाइस दे कांट बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो ये बताइए मुझे आपने दिवाली में क्या किया. दिवाली में मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि रणबीर का जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन है एंड डेफिनेटली ही हैज टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड दिस ईयर. आई एम श्योर इवन यू टू आल्सो. थैंक यू वजीर साहब. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बोल रही आप क्या बोल रहे हैं. पर आप बोलिए आपने दिवाली में क्या किया. मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया लेकिन इंतजार कर रहा था शायद आप लोग होते हैं इंडियन है ना. तो आपने क्या किया. मैंने भी दिवाली सेलिब्रेट किया बहुत लोगों के साथ. किसके साथ. अपनी फैमिली के साथ. हाँ कहाँ. वैसे आप लोगों ने क्या किया दिवाली में. हम लोग दिल्ली में थे. वापस नहीं आए. नहीं प्रमोशन किया ना उधर. दैट्स ग्रेट. एंड यू वर्क इज वर्कशिप. नो बट दिस वाज अ डे बिफोर. वर्क इज वर्शिप नॉट वर्कशिप. वर्कशिप नहीं वर्शिप. वर्शिप राइट. वर्शिप डब्ल्यू ओ आर एस एच आई के ई. आई नो. अच्छा थोड़ी सी फिल्म की कहानी जानना जरूर चाहेंगे. जी What is the basic plot of Tamasha? क्या है ये. Basic plot of Tamasha actually. Basically it's like 1 foot by 1 feet by 3 feet. Plot उतना ही है. Maybe. To be honest, 2 bedroom hall kitchen है plot. Please आइएगा देखिएगा. क्या plot क्या है. Plot तो है why always the same story. You know आप कौन सी रेस भाग रहे हो. Why always the same story? तमाशा. तू शायद यही कैरेक्टर है फिल्म में. क्या कैरेक्टर. भूलना. नहीं नहीं लोगों का नाम भूल जाना. नहीं, नहीं. मैं कौन हूँ. वो खुद का नाम भूल जाती है ना. आप एक बात बोलो जी. आप बचपन से क्या करना चाहते थे. सच बोलिए. सिंगर बनना था. तब क्यों क्यों नहीं बने. हालात क्योंकि आपको मौके नहीं मिले. क्यों नहीं बने. पेरेंट्स ने किया. करेक्ट. ये फिल्म उसी के बारे में है कि जो बचपन में अंदर आपका एक सपना जागता है जो आपकी चाहत होती है. बट कई ऐसी सिचुएशंस होते हैं कई ऐसी समस्याएं होती है जो आप कर नहीं पाते जो आपको करना है. और कहीं ना कहीं आप उस सपने को अंदर डुबा देते हो क्योंकि अभी ये जिंदगी है ये दुनियादारी है और मुझे ये करना चाहिए. तो ये फिल्म आपको ये याद दिलाएगा. एक आपके कान के सामने एक अलार्म क्लॉक जैसे बजेगा कि आपके अंदर जो सपना था वो क्या था. तो आपको हंसाएगा आपको रुलाएगा और शायद आपको यही बताएगा कि ट्राई करो सिंगिंग के लिए. शायद एक एक जब आपको कुछ ना कोई तो मौका मिलने वाला है. और जब मौका मिलेगा तो मौके को गंवाना मत. बिल्कुल ट्राई करना जो आपका सपना है. इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट. वैसे वैसे आपने कह तो दिया है सिंगर लेकिन 2 लाइन तो गानी पड़ेगी. बिल्कुल गाऊंगा. ऑफ कोर्स हां इरशाद बिल्कुल गाना तो पड़ेगा आपको. तो हमारे फिल्म का कोई गाना ला लो. अगर कोई दीपिका पाडुकोन का फेमस गाना है. यू नो यू नेवर नो दिस कुड बी योर अपॉर्चुनिटी. दिस कुड बी दैट बिग अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ जहां एक तारा आई है आपकी जिंदगी में और आपको इस ये मौका दिया है. और इस मौके के साथ अगर आपने अच्छे से किया परफॉर्म किया सो यू नो यू नेवर नो किसी ने अगर ये टैलेंट देखा और आपको और अपॉर्चुनिटीज दिया तो हम आपके हुनर को अभी मौका दे रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन विद अस इज वसीम अख्तर और ये 2 लाइन हमारी फिल्म का पेश करने वाला है. वजीर आपकी फिल्म का गाना तो पूरा याद नहीं है लेकिन दीपिका की फिल्म का गाना मुझे याद. कोई भी जो शायद मैं डेडिकेट कर आप दोनों के लिए. एक मिनट हाँ ये ऑडिशन जो आप कर रहे हैं ठीक था करना. सीरियसली करना बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग द इंटरव्यू ना. सो यू नेवर नो यू नो इफ समबडी really recognizes your talent you might get the opportunity in some inshallah film I'll get the playback. Opportunity ha to seriously karna don't do it like a joke. theek hai so ready start now. to ye gana jo hai deepika aur ranveer ki film tamasha ke liye dedicate hai aur mera favorite hai. aaj din chadhya mere rang varga phool sa hai khila आज दिन ओ रब मन प्यार ना जगे सारा जहां छोड़ छाड़ के उससे तू लगा ले अब गले तेनू दिल दा वास्ता आज दिन चढ़िया
मेरे रंग वर्गा। हाउ इज इट? कमाल है, कमाल है। आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, बट अभी जब आपको मौका मिलेगा जरूर आप वो मौके को पकड़ के चौका मार देना इंशाल्लाह। आई होप फॉर द बेस्ट। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप क्या बनना चाहते थे रियल लाइफ में? एक्टर बनना चाहते थे या कुछ और? अच्छा, बचपन में तो बहुत सारी चीजें बनना चाहता था, कराटे इंस्ट्रक्टर बनना चाहता था, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, डॉक्टर भी बनना चाहता। क्यों नहीं बने? क्योंकि मुझे पता चला कि इन सब चीजें के लिए, कराटे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए उससे भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बचपन में एक सीख मिली थी कि इतनी पढ़ाई करनी नहीं पड़ती चाहिए टू बिकम एन एक्टर। तो आई थिंक उसके बाद मुझे डायरेक्टर बनना था। फिर क्योंकि मैं एक्टर का बेटा था तो इतने सारे मौके आए मेरे सामने, तो मैंने मौके लिए और एक्टर बन गया। दीपिका आप तो भी हैं, बाद में पता चला। बिल्कुल। तो तमाशा जो जो फिल्म है, जो कहानी है, इसी के बारे में है कि अपनी जिंदगी जो है अपने लिए जियो और दूसरों के लिए नहीं। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, हर किसी की लाइफ होती है लेकिन कहते हैं ना कि राइट टाइम में राइट चीज मिलनी जरूरी होती है। दो फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने आपको मैसेज दिया कि आपकी फिल्म जब भी रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो और साथ में उनकी फिल्म चले, उस फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वो कह चुके हैं कि दीपिका मेरे लिए लकी चार्म है। एग्जैक्टली द सेम, मैं भी उनको यही कहूंगी कि एक तो मैं जानती हूं कि वो मुझे बहुत मिस करते हैं और मैं भी उनको बहुत मिस करती हूं, क्योंकि यू नो वी वर्कड इन सो मेनी स्पेशल फिल्म्स टुगेदर। इस बार थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि सेम डे पर यू नो आवर फिल्म्स आर रिलीजिंग सेपरेटली, बट यस आई थिंक बोथ द फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट एंड आई विश बोथ द फिल्म्स ऑल द वेरी बेस्ट और मैं चाहूंगी कि बोथ द फिल्म्स डू वेरी वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो दर्शकों, तमाशा रिलीज होने वाली है 27 नवंबर को। दर्शक टिकट खरीद के फिल्म को देखने सिनेमा घर में जरूर जाएं। कैमरामैन प्रदीप के साथ वसीम अख्तर, इंडिया न्यूज़, मुंबई।